एक बच्चे का असामान्य बड़ा सिर होने के कारण लोग उसे भूत का बच्चा कहने लगे। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर उसका आकार 26 सेंटीमीटर तक कम कर दिया, लेकिन लोग भूत का बच्चा उसे कहते रहे। जिस प्रकार से बच्चे के सिर का आकार है, वो सिर पर पानी भर जाने के कारण हुआ, जो 96 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। आपको बता दें कि बच्चे की खोपड़ी से 3.7 लीटर तरल पदार्थ निकाला गया और 1.5 महीने तक उसका आकार 70 सेंटीमीटर तक रह गया। वहीं बच्चे की खोपड़ी को सही आकार देने के लिए एक और ऑपरेशन किया जाएगा। आपको बता दें, भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दलीप परीदा ने कहा कि बच्चे के सिर में 5.5 लीटर तरल पदार्थ भरा हुआ है। डॉक्टर्स ने अब तक बच्चे के सिर से 3.7 लीटर तरल पदार्थ निकाल लिया है। अब सिर का आकार 96 सेंटीमीटर से घटकर 70 सेंटीमीटर रह गया है। बच्चे के दिमाग की कार्य प्रक्रिया में सुधार हो रहा है। बच्चे के माता पिता कमलेश दास और कविता ने कहा कि उनके पुत्र की शक्ल के कारण स्थानीय समुदाय के लोग उन्हें अलग थलग कर चुके थे। लोग कहते थे कि तुम्हारे घर में भूत का बच्चा पैदा हुआ है। कोलकाता में काम करने वाले कमलेश ने कहा कि हमारे बच्चे को हमारे आसपास मौजूद लोग जब भूत का बच्चा कहते थे तो हमें दुख होता था, लेकिन बच्चे के पिता को विश्वास है कि उनका बच्चा सामान्य जीवन व्यतीत करेगा। साथ ही डॉक्टर्स की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मदद के बिना ऐसा संभव नहीं हो पाता। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।